ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो अगला फॉर्म देखते हैं हम, फॉर्म थ्री, और ये है इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर ए एक्स प्लस बी डी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर ए एक्स प्लस बी अपॉन ए प्लस सी, और इंटीग्रल ऑफ ए टू द पावर पी एक्स प्लस क्यू डी एक्स वन अपॉन पी ए टू द पावर पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एल एन ए प्लस सी। एक बार फॉर्मूला समझ लेते हैं कि सिंस हम जानते हैं e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x को डिफरेंशिएट करने पे e टू द पावर x ही मिलता है, तो इंटीग्रेट करने पे भी e टू द पावर x ही मिलेगा, और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट है a, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ a से डिवाइड करेंगे, और a टू द पावर x को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, जो बेस है यहाँ पे उसके लॉग से हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, और सिंस x का कोएफिशिएंट यहाँ p है तो ये 1 अपॉन p हो जाएगा, x के कोएफिशिएंट से हमें डिवाइड करना होता है। तो आइए इस फॉर्म पे हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं। पहला एग्जांपल लेते हैं इंटीग्रल 3 टू द पावर 2x प्लस 5 dx, ठीक है। तो यहां पे हम देखें a के बदले में हमारा 3 हो चुका है और p के बदले में हमारा 2 हो चुका है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3 टू द पावर 2x प्लस 5 अपॉन x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे और जो बेस है उसके लॉग से डिवाइड करेंगे, तो ln 3 एंड प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। अगला एग्जांपल देखते हैं, सेकंड एग्जांपल में हम क्वेश्चन लेते हैं इंटीग्रल 3 टू द पावर x इंटू 2 टू द पावर माइनस x dx, ठीक है। अब हमें कोशिश ये करनी है कि हमारे पास क्या हो जाए, इस फॉर्म में से किसी एक फॉर्म में मैच हो जाए, तो हम कोशिश ये करेंगे कि ये जो बेस है, मतलब यहाँ पे जो बेस है हमारा वो सेम हो जाए और पावर हमारा सिर्फ वेरिएबल रहे, तो मतलब हम इसको कुछ मैनिपुलेट करके इस तरीके से लिख सकते हैं 3 टू द पावर x अपॉन 2 टू द पावर x है ना dx, और इसको हम फर्दर ऐसे लिख सकते हैं 3 बाई 2 टू द पावर x dx, तो ये a टू द पावर x के फॉर्म में आ गया, और हम फिर इसका आंसर लिख सकते हैं 3 बाई 2 टू द पावर x, और बेस के लॉग से हमें डिवाइड करना पड़ेगा, तो ln 3 बाई 2 प्लस c, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, थर्ड एग्जांपल हम लेते हैं इंटीग्रल e टू द पावर 3x प्लस e टू द पावर 5x अपॉन e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x dx। यहां पे भी डायरेक्ट इंटीग्रेशन करने से पहले हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा मैनिपुलेट करेंगे। तो अगर हम न्यूमरेटर से e टू द पावर 4x कॉमन ले लें, तो यहां पे ये बन जाएगा e टू द पावर माइनस x प्लस e टू द पावर x, और डिनोमिनेटर में भी है हमारे पास e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x dx, तो ये टर्म पूरा कैंसिल आउट हो गया और ये इफेक्टिवली और कुछ नहीं बल्कि इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर 4x dx लिखा हुआ है, और जिसका इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा e टू द पावर 4x, x का कोएफिशिएंट 4 है तो उसे डिवाइड करेंगे हम, और ये प्लस c, ठीक है। कुछ और भी एग्जांपल्स देखते हैं, अगला एग्जांपल लेते हैं फोर्थ, ये है हमारा इंटीग्रल 2 टू द पावर x प्लस 1 माइनस 5 टू द पावर x माइनस 1 अपॉन 10 टू द पावर x dx। इसका भी इंटीग्रेशन करने से पहले हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करेंगे, तो ये हो गया हमारा इंटीग्रल 2 टू द पावर x प्लस 1 हो गया 2 इंटू 2 टू द पावर x अपॉन 10 टू द पावर x को हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर x इंटू 5 टू द पावर x माइनस 5 टू द पावर x माइनस 1 हो जाएगा हमारा 5 टू द पावर x अपॉन 5 डिवाइडेड बाई अगेन 10 टू द पावर x को हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर x इंटू 5 टू द पावर x dx। यहां से ये 2 टू द पावर x कैंसिल आउट हो गया और यहां से 5 टू द पावर x कैंसिल आउट हो गया, तो यानी अगर इस इंटीग्रेशन को अलग अलग लिखें तो ये हो जाएगा ट्वाइस इंटीग्रल 5 टू द पावर माइनस x dx एंड माइनस 1 बाई 5 इंटीग्रल 2 टू द पावर माइनस x dx, है ना, और इसका इंटीग्रेशन हमारा हो गया 2, 5 टू द पावर माइनस x का इंटीग्रेशन हो गया 5 टू द पावर माइनस x अपॉन
x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, दैट इज माइनस वन, और ln 5 माइनस 1 अपॉन 5, 2 टू द पावर माइनस x का इंटीग्रेशन हो गया 2 टू द पावर माइनस x, x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे और ln ऑफ बेस दैट इज 2, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो फाइनली ये आपका एक्सप्रेशन कुछ ऐसा दिखेगा, माइनस 2 अपॉन ln 5 5 टू द पावर माइनस x एंड प्लस 1 बाय 5 ln 2 2 टू द पावर माइनस x प्लस c। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये वाला सवाल कर सकते हैं। आखिरी एग्जांपल लेते हैं इस फॉर्म का, ये है इंटीग्रल a टू द पावर mx इंटू b टू द पावर nx dx। तो जैसा कि हमने एक और क्वेश्चन में देखा था कि हम कोशिश करेंगे कि पावर सिर्फ हमारा वेरिएबल के फॉर्म में हो, कॉन्स्टेंट हम बेस में लाने की कोशिश करेंगे, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a टू द पावर m इंटू b टू द पावर n टू द पावर x dx, है ना। अब ये हमारा ये एक्सप्रेशन जो है ये हमारा a का काम करेगा, है ना। तो इसका इंटीग्रेशन हो गया a टू द पावर m इंटू b टू द पावर n टू द पावर x अपॉन log ऑफ जो बेस है हमारा यानी a टू द पावर m इंटू b टू द पावर n प्लस c। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये वापस से अपना एक्सप्रेशन बन जाएगा a टू द पावर mx इंटू b टू द पावर nx अपॉन, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा m टाइम्स ऑफ ln a प्लस n टाइम्स ऑफ ln b एंड प्लस c। सो दिस विल बी आवर आंसर।